गोहाना की अनाज मंडी में गेहूं की आवक तेज हो चुकी है और मनोहर सरकार द्वारा SMS सिस्टम को बंद किए जाने के बाद से किसान अपनी गेहूं की फसल को लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। अब मंडी के बाहर गेट पास को लेकर गेहूं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतारें लगी हुई हैं। कुछ किसान बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं तो वहीं कई किसान सरकार का आभार जताते नजर आ रहे हैं। पहले जी एक SMS की परेशानी थी, जो किसान तंग होते हुए किसान रोड पे बैठे हैं, मंडी गेट के सामने बैठे हैं, उसकी सरकार ने सुनी है, उसका सरकार से शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने SMS बंद करके सीधे मंडी में गेहूं लाने का प्रावधान किया है। समस्या ये है, गेट पास कटवाते वक्त किसानों को लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है और काम का टाइम है, इतना एक किसान के पास काम बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता। इन लोटों का और समस्या समाधान किया जाए और जो पेमेंट है किसान की, वो किसान के और एक अड़ती का एक परिवार पर का रिश्ता बना हुआ है जो सरकार ने तोड़ा है, किसान की पेमेंट किस अड़ती के माध्यम से आनी चाहिए। भाई साहब 2 घंटे हो गए, पसीने आ लिए सारे, देख के हाल हो लिया, खड़े खड़े गेट पास नहीं काट रहे, ना जाऊड़ जालिया मशीन हला गई है, ट्रैक्टरी रतन दें देनी, पागल बना रहे आधे काम का। अच्छा नहीं हो रही गेट पास में, बताओ आन होली बोल हैं क्या कर रहे हैं, क्या कहते ला रहे हैं क्या ये बताओ एक बार। हाँ जी, ये मैसेज आया मेरे पास फ़ोन में, अगर आपका अकाउंट नंबर गलत है। मैं कमेटी वाले के पास आया, वो बोले बैंक में जाओ, बैंक वाले के पास गया, उन्होंने कहा ठीक है ये सब कुछ। और ये आप ये नहीं कह रहे हैं, जो कुछ होगा बाद में देखा जाओगा, अब तो मतलब गेम ले आ गए आपने बेच दो। तो किस अकाउंट नंबर क्यों मांगे जा रहे हैं? अकाउंट नंबर खत्म है पेमेंट लाने के लिए। हाँ, पिछले साल भी ये अकाउंट नंबर था कोऑपरेटिव बैंक का और इस बार भी वही है। तो अब की बार कह रहे हैं कि इसमें नहीं है? हाँ, इसी बार ये कह रहे हैं कि अकाउंट नंबर गलत है। तो फिर परेशानी हो रही है? परेशानी 4-5 चक्कर लगा लिए मैंने। किसानों का कहना था कि वो गेहूं लेकर मंडी में आते हैं तो उन्हें गेट पास लेने में काफी दिक्कत आ रही है, उन्हें गेट पास लेने में घंटों लंबा इंतजार करना पड़ता है और इस बार सरकार ने गेहूं की नमी 14% से घटाकर 12% तक कर दी है। ऐसे दोबारा से 12 से 14% कर दिया जाए, नहीं तो इससे गेहूं खरीद में एजेंसियां देरी करती हैं। एक किसान ने बताया कि मार्केट कमेटी वालों ने उनके खाते का नंबर गलत बताकर फार्म वापस दे दिया, लेकिन जब किसान बैंक में गया तो उसका बैंक खाता सही बताया। इससे भी कई किसानों को दिक्कत आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आड़ती ने भी सरकार के SMS सिस्टम खत्म करने का स्वागत किया है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी समस्या को समाधान किया है। इस समस्या के समाधान होने से किसान बहुत ही खुश है, क्योंकि मैसेज में क्या था, किसी का गेहूँ तैयार था तो मैसेज नहीं था, किसी का मैसेज था तो गेहूँ तैयार नहीं था। अब इस समस्या सरकार ने सॉल्व कर दी है, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। इसे जिम्मेदार भी प्रसन्न है और आड़ती भी खुश है। लेकर पहले आ रहे थे ना, मैंने मैसेज उसकी उल्टा किया जा था, ये भी दूसरा के नाम पर और थोड़ी दे दी की मार्केट आने ने तो तरवाई जा ली, जो नमी नहीं वो तल जा है पास हो जा, जो नमी है वह बिल्कुल तल दी नहीं, वह पड़ी ही दे रही मंडी के अंदर, वो निकमें निकमें समस्या थोड़ी दी है और जी और जानती नहीं तो ना उतरा तो दूसरा नाम पर तो ये भी समस्या हो जाए। उधर गोहाना मंडी मार्केट कमेटी की एडिशनल सचिव सविता जैन की माने तो गोहाना की अनाज मंडी में अभी तक 22,000 क्विंटल गेहूं आ चुका है और मंडी में किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। आज तक वो 12,000 क्विंटल के गेट पास अब तक कट चुके हैं, मंडी में टोटल 22,000 क्विंटल माल आ चुका है अब तक का। मैसेज वाली थोड़ी सी दिक्कत थी किसानों को कि जिनकी फसल पक के तैयार हो चुकी थी उनके मैसेज नहीं आ रहा था और जिनकी फसल भी तैयार नहीं थी उनके पास मैसेज जा रहे थे, तो अब बिना मैसेज के भी बेचने में उनको ये आसानी है कि भी जिसकी तैयार है तो वो मंडी में ला सकते हैं। साथ ही मार्केट कमेटी अधिकारी का कहना था कि सुबह किसान ज्यादा आने से गेट पास में थोड़ी देरी हो जाती है, उसे जल्द ही दूर करवा दिया जाएगा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।